इस बार वीकेंड का वार में जब सभी घर वाले इकट्ठे होके बैठे हुए थे, अनिल कपूर जी जब सवाल कर रहे थे वीकेंड का वार में, इस बार पायल मलिक नॉमिनेट हुई हैं और ये अरमान मलिक को देख सकते हैं जो कृतिका मलिक के साथ बैठे हुए हैं और पायल मलिक घर वाले के साथ बैठी हुई हैं। अरमान मलिक ने भेद रखा है दोनों वाइफ में, कृतिका मलिक को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, वो लव लवाटा ज़्यादा कृतिका मलिक के साथ करते हुए दिखाई देते हैं घर में, और सुबह के टाइम भी वो ज़्यादा यही दिखाने का कोशिश करते हैं कि मैं रात में भर सोया नहीं, और ये सब देख के पायल मलिक को तकलीफ़ हो रही है कि अरमान मलिक यहाँ बहुत बदले बदले हैं और मेरा सपोर्ट ना करते हुए वो कृतिका मलिक के साथ में है ज़्यादा कर, वो अपना दर्द बयान कर पा रही है नहीं भी कर पा रही है। और घर वालों ने जब पायल मलिक का नाम रखा है घर से बाहर जाने के लिए, तो फाइनली पायल मलिक को घर से बाहर जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनको वोट कम मिली है। और जब अनिल कपूर जी सवाल कर रहे हैं अनिल सर, तो पायल मलिक को लग रही है कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख हो रही है इस घर को छोड़ते हुए, क्योंकि उनको उम्मीद है कि पब्लिक जो है मुझे भरपूर वोट देगी और मुझे इस घर में रहने का मौका देगी, बट उनका सोचना गलत है। यहाँ अरमान मलिक खेल खेल रहे हैं और कृतिका मलिक के साथ, और पायल मलिक घर से बेदखल हो चुकी हैं इस वीकेंड के वार में, और पायल मलिक अगर अच्छे से खेलती तो शायद वो घर में टिकी रहती, बट कहीं ना कहीं पायल मलिक अच्छा नहीं खेली हैं जिसके कारण उन्हें घर से बाहर जानी पड़ेगी, और ये घर में भी रह के वो खामोशी रही हैं और देखती रही हैं कि अरमान मलिक उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कृतिका मलिक को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बट कोई नहीं मैं घर से बाहर भी मुझे जानी है और बच्चों से मिलनी है और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, और पायल मलिक घर से बेदखल हो।